Huge Meesho jewelry collection starting ₹99 Raksha Bandhan special. चैनल इट सीतल। सो आज की वीडियो बहुत ज्यादा मजेदार होने वाली है क्योंकि आज करेंगे हम मीशो ज्वेलरी हॉल। सो एज यू गाइज नो दैट कि जो पुराने मेरे सब्सक्राइबर द्वारा आए हैं तो उनको तो पता होगा मुझे ना इयररिंग्स का कितना बड़ा ऑब्सेशन है क्योंकि मेरे पास ना बहुत ज्यादा इयररिंग्स है। लाइक ऑक्सीडाइज ज्वेलरी तो भर भर के है, मतलब भर भर के क्या 90% ऑक्सीडाइज है। बाकी थोड़े बहुत हूप्स वगैरह है वो मैं इस वीडियो में नहीं इंक्लूड करूंगी क्योंकि अगर उस टाइप की ज्वेलरी दिखानी है तो मैं बाद में दिखा दूंगी। इस वीडियो में मैं सिर्फ एथेनिक वियर वाली जो ज्वेलरी होती है जैसे आप कुर्ता लहंगा इन सब पे पहन सकते हैं वैसी वाली ज्वेलरी दिखाऊंगी एंड जो मीशो से मैंने ली थी वो ही वाली दिखाऊंगी। एंड मेरे पास तो लाइक बहुत ज्यादा ज्वेलरी है, मैं ट्राई करूंगी कि 50% तो इसी में कवर कर लूं लेकिन मेरे को पक्का पता है क्योंकि मेरे को पार्ट टू बनाना पड़ेगा। अगर पूरी ज्वेलरी कलेक्शन दिखानी है तो पार्ट टू पक्का बनाना पड़ेगा। तो अभी स्टार्ट करते हैं हम अपना फर्स्ट ज्वेलरी कलेक्शन से। एंड गाइस ये वाली जो ज्वेलरी दिखाने वाली हूँ आप रक्षाबंधन में पहन सकते हैं, इवन आप किसी की शादी वगैरह में एंगेजमेंट में जा रहे हैं। लाइक आप लोग ऑलरेडी जानते हो कि रक्षाबंधन जैसे फेस्टिवल सीजन तो ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है, रक्षाबंधन है, देन उसके बाद हमारी दिवाली दशहरा, ये सारे सीजन अब धीरे धीरे आते जाएंगे। फेस्टिवल सीजन स्टार्ट ही हो गया, देन उसके बाद वेडिंग सीजन भी आ जाएगा तो वेडिंग में भी आपको रिक्वायरमेंट होती है इतने सारे। तो शादियों में ना शादी फंक्शन वगैरह वेडिंग वाले जो फंक्शन होते हैं उसमें आप लोगों को ऑलरेडी पता है कितने सारे रिचुअल्स होते हैं लाइक हल्दी मेहंदी एंड बहुत सारे, तो हमें पता भी नहीं, मतलब मुझे नहीं पता, अभी मेरी शादी नहीं हुई तो मुझे नहीं पता, लेकिन बहुत सारे इसके अलावा भी होते हैं, एंगेजमेंट होती है और भी होते होंगे। तो ये जो जितने भी शादी फंक्शंस होते हैं उनमें भी ना इस टाइप के जो झुमके हो गए या अलग मैं अभी आपको डैंगलर्स भी दिखाऊंगी इस टाइप के बहुत ज्यादा क्लासी लगते हैं एंड यू गाइस गोना लव दिस। अगर आपने सिंपल आउटफिट पहना है उस पर इस टाइप के झुमके या और भी अच्छे अच्छे इयररिंग जो मैं दिखाने वाली हूँ अगर वो आप पहन लोगे ना आपको ना और कुछ चीज की रिक्वायरमेंट नहीं होगी बिकॉज कि वो ना आपके पूरे लुक को ही एनहांस कर देता है। मेरे को पर्सनली ऐसा लगता है अगर आप सिंपल आउटफिट पहन रहे हो तो आप हैवी ज्वेलरी पहनो बहुत क्लासी लगोगे, अगर आपने कुछ जड़ा हुआ बहुत ज्यादा पहना है तो उसमें आप डेंटी ज्वेलरी पहनो छोटी छोटी वो बहुत ज्यादा क्लासी लगती है। तो चलो स्टार्ट करते हैं, ज्यादा पक पक नहीं करती हूँ, पका रही हूँ भी सॉरी। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम इससे। तो इसमें ना बहुत ज्यादा ज्वेलरी है तो मैं इतनी सारी तो नहीं कवर कर पाऊंगी लेकिन जितनी होंगी मैं पक्का उतनी कवर करूंगी। सो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स स्टार्ट करते हैं हमारी फर्स्ट इयररिंग से। फर्स्ट वाला मैं आप लोगों को जो मैंने ऑलरेडी वियर कर रखा है वो ही झुमका मैं दिखा देती हूँ। सारे ना मैक्सिमम ऑक्सीडाइज ज्वेलरी होंगी एंड ये वाला जो झुमका है ना लाइक लुक एट दिस, इसके ऊपर जो ये गोल गोल टायर टाइप का है देन उसके अंदर बीड्स लगे हुए हैं व्हाइट कलर के, देन ये बहुत बड़ा सा झुमका है जिसमें बीड्स है एंड इस सबसे मजेदार इसके घुंघरू है, इसके अंदर ना बहुत ही ज्यादा अच्छे वाले घुंघरू लगाए हुए हैं एंड बहुत अमेजिंग है। मेरे को ना ये वाला बहुत ज्यादा पसंद है, मैं ना नॉर्मली भी पहनती रहती हूँ। लाइक हमारे ऑफिस वगैरह में छोटे मोटे फंक्शन होते हैं ना जैसे ऑफिस वगैरह पार्टी होती है जिसमें आप कुर्ती वुर्ती पहन के जा सकते हो, उसमें भी आप इस टाइप की इयररिंग्स पहन के जा सकते हो, प्लेन व्हाइट कुर्ती हो, ब्लैक कुर्ती हो या आप मेरी जैसी हो। अगर आपको ये वाली कुर्ती पसंद आ रही है जस्ट इन 180 है एंड ये भी मैंने मीशो से लिया है, आप मेरा ना कुर्ती हॉल देख सकते हो जो मैंने रक्षाबंधन के लिए स्पेशली बनाया है। यहाँ पे मैंने लिंक दे दिया है यहाँ पे आई बटन पे, वहां पे जाके आप चेकआउट कर लेना। एंड इसका जो प्राइस वगैरह होगा जितने भी इयरिंग का मैं यहाँ पे आपको ये विजुअल हो जाएगा और कोड भी आ जाएगा यहीं पे, आप स्क्रीनशॉट लेके कोड डाल लेंगे मीशो पे तो वो आपको पता लग जाएगा कौन सा इयरिंग है। बाकी मैं आपको एक लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, आप वहां पे लिंक पे जाना एंड जो पसंद आता है आपको इयरिंग वो ले लेना। ऑलरेडी आप लोगों को पता है जब से रॉकी एंड रानी भी आई हुई है सब लोग झुमका झुमका करते रहते हैं, वो झुमका। तो अगर आप इंस्टाग्राम वगैरह पे रील भी बनाते हो उसके लिए भी बहुत ज्यादा मस्त लगेगा क्योंकि है ही ये इतना मस्त। इसके अलावा ना मेरे पास कम से कम होंगे 7-8 झुमकेस होंगे तो मैं सारे नहीं कवर करूंगी, 2-3 ही करूंगी, आप लोग को दिखाती हूँ।
हमारा ये वाला इयरिंग ना, मैं सच बताऊं मेरा फेवरेट इयरिंग है। जस्ट बिकॉज इसे पहनने के बाद ना थोड़ा रजवाड़ा वाली फीलिंग आती है कि मैं कहीं की रानी महारानी हूँ, एंड ये मेरे ड्रेस से भी मैचिंग कर रहा है। तो मेरे को बताती हूँ, ये थोड़ा कॉस्टली है नॉर्मल सारे इयरिंग से, बिकॉज ये काफी ज्यादा हैवी है। लाइक लुक एट दिस वेरी ब्यूटीफुल इयरिंग। इसमें ना पर्पल कलर की बीट्स लगाई हुई है एंड हाथी वाला शेप है, एंड काफी ज्यादा ब्यूटीफुल है। आई लव दिस इयरिंग जस्ट बिकॉज इसमें इतना ज्यादा वर्क करा गया है और ये बहुत ज्यादा सुंदर भी है। पहन के भी ना बहुत सुंदर लगेगा। अभी मैं इसे ट्राई भी कर लेती हूँ, एंड इसका कोड आपको यहाँ मिल जाएगा। इसके अलावा आप कोड डायरेक्ट स्क्रीनशॉट लेके डालेंगे, आप लोगों को डायरेक्ट वहां पे पहुंच जाएंगे। इवन मैंने लिंक दिया है, आप लिंक से पहुंच जाना, इतना टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। स्क्रीनशॉट लो देन डालो, नीचे जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक भी मिल जाएगा। सो इस इयररिंग के बारे में बात करूं तो आप लोग देख रहे हो ऊपर ना ऐसे कुछ है गोल गोल सा, देन उसके नीचे दो हाथी हैं एंड बीच में डिजाइन है। इस सेम इयररिंग के मेरे पास दो सेट है, एक ये पर्पल में, एक मल्टी कलर में है। तो मल्टी कलर वाला भी मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ अभी, वो भी निकाल के दिखा दूंगी। एंड मैं ट्राई सिर्फ एक करके, जैसे मैंने ये पूरा आपको दिखा दिया, ट्राई मैं उसे पहन के दिखा दूंगी। आप लोग देख के बताना कि आपका कौन सा फेवरेट है एंड कौन सा आपको अच्छा लग रहा है। तो सेकंड मल्टी कलर वाला जो है आ गया, ये रहा, दिस वन, दिस इज वेरी ब्यूटीफुल इयरिंग। मतलब दोनों ही सुंदर है एंड मेरे को तो दोनों ही पसंद है लिटरली। लुक एट दिस, है ना मस्त। आप लोग बताइए दोनों में से आपको कौन सा अच्छा लग रहा है। मेरे को ना दोनों ही पसंद है, दोनों ही मतलब सेम डिजाइन है, बस अंदर जो बीट्स लगी हुई है वो डिफरेंट है। बाकी नीचे ये पर्ल वाले जो नीचे डैंगलर्स है वो सेम है, बाकी यहाँ की बीट्स अलग है। पर्पल है उसकी पूरी, ये पर्पल एंड ग्रीन है। ये काफी अच्छा है, ये वेडिंग सीजन के लिए अच्छा रहेगा। रक्षाबंधन पे आप पहन सकते हो, कुछ प्लेन कुर्ती टाइप पहन रहे हो उसके साथ भी मस्त लगेगी, और रानी वाली फीलिंग तो आएगी आपको। परी हूं मैं, चलो मैं इसे ट्राई करके दिखाती हूँ। नेक्स्ट इयरिंग है हमारा ये वाला, लुक एट दिस, बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल इयरिंग है। आप लोग देख रहे हो इसमें मिरर वर्क हो रखा है, एंड पता है जब भी आप मिरर वर्क वाले कोई इयरिंग पहनते हैं ना, बहुत ज्यादा आसानी से, अगर डे में पहन रहे हो तो बहुत ज्यादा, अगर धूप साइड से निकल रहे हो या कोई भी आप पिक्चर वगैरह ले रहे हो, बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल आते हैं इस टाइप के इयरिंग में। एंड आई लव दिस इयरिंग, बहुत ज्यादा लाइट वेट है, मतलब पहनने में ऐसा नहीं लगेगा आपने क्या लटका लिया है। इतने ज्यादा हैवी नहीं है, लाइट वेट है। लाइट वेट वाले इयरिंग का पहनने का मजा ही अलग होता है, क्योंकि वो पहन के इतने ज्यादा सुंदर लगता है, मजा ही आ जाता है कसम से। एंड ये पूरा सर्कुलर रिंग टाइप का बना हुआ है ऐसे ऐसे, देन उसके नीचे है ना झुमके जो घुंघरू टाइप लटके हुए हैं, देखो आवाज भी आ रही होगी। काफी अच्छी इयरिंग है, प्राइस मैं यहाँ पे लिख दूंगी, क्वालिटी भी बहुत ज्यादा मस्त है। एंड आप लोग बताइए आपका आपको कैसे लग रहे हैं ये वाले मिरर इयरिंग्स, एंड इनको मैं पहन के दिखाती हूँ एंड बताइएगा कैसा लग रहा है आपको। डेंगलर वाले इयररिंग है, एक रेड कलर में एक ब्लैक कलर में, तो मैं आप लोगों को दोनों दिखा देती हूँ एंड पहन के तो मैं एक ही दिखाऊंगी। लेकिन यार कान दर्द हो जाते हैं जब बहुत ज्यादा पहनते बदलते बदलते है ना, तो अभी मैं ये रेड वाला दिखा रही हूँ। तो देखिए ये ऐसा दिखता है, ये ना फोटोज वगैरह में ना लाइक बहुत सही, अगर आप इंस्टाग्राम वगैरह पे रील बनाते हो या कुछ भी वीडियोस वगैरह बनाते हो मेरी तरह, तो मेरा तो पर्सनल यही होता है, मेरे को वीडियोस बनानी होती है इसलिए मैंने खरीद के रख ली है, क्योंकि
अगर डिफरेंट डिफरेंट इयररिंग पहनूंगी अच्छी लगूंगी तभी तो लोग देखेंगे, है ना। तो ये वाला इयररिंग है रेड वाला, लुक एट दिस, कितना सही लग रहा है। इसमें देखो आप ना ध्यान से देखना, ये सर्कल सर्कल बना हुआ है, इसमें ना रेड कलर का वर्क करा है, ये हैंडमेड वर्क है, ठीक है। और यहाँ से ये पूरा है और नीचे ये झुम लटक रहे हैं, डैंगलर्स लटक रहे हैं, तो सेम ये रेड की तरह ब्लैक भी है। ये है ब्लैक वाले इयररिंग, लुक एट दीज इयररिंग, और बहुत ज्यादा प्यारे इयररिंग है, काफी ज्यादा प्यारे लगते हैं, लाइक ऐसे आप देखो कैसे लग रहे हैं। थोड़ा मैं पहन के दिखाऊंगी कि आप लोग बताना कैसे लग रहे हैं, एंड काफी ज्यादा ब्यूटीफुल इयररिंग है। आई लव दीज इयररिंग जस्ट बिकॉज काफी ज्यादा अच्छे लगते हैं पहनने में, खासकर ये जो है नीचे जो। नेक्स्ट ये है ब्लैक वाला, आपको ऑलरेडी मैंने बता दिया है। देखो प्राइस वगैरह मैं सब यहाँ साइड में डाल दूंगी, जस्ट बिकॉज मुझे याद नहीं है किस इयररिंग का कौन सा प्राइस है, जस्ट मेरे को अभी चेकआउट भी करना पड़ेगा किसका कितना प्राइस है, एंड आप उसके अकॉर्डिंग आप लोग देख लेना, और जो आपको अच्छा लगता है वो ही लेना यार, फालतू में पैसे खर्च मत करना, जो पसंद आता है वो ही लेना, नहीं लेना है तो मत लेना, जस्ट सेव करके रख लेना, फ्यूचर में कभी काम पड़े, लाइक आपको अभी नहीं लेना, कभी और चाहिए, रक्षाबंधन पे नहीं दिवाली पे चाहिए, इट्स अप टू यू, ठीक है। एंड ये वाले इयररिंग है काफी मेरे को ब्यूटीफुल लगते हैं। चलो मैं पहन के दिखाती हूँ, ट्राई ऑन करके दिखाती हूँ, बताना कैसे लग रहे हैं मेरे पे, कैसे लग रहे हैं वो भी बता देना। बहुत ज्यादा इयररिंग हो गए, अब मैं आपको एक दो नेकलेसेस दिखा देती हूँ, देन दोबारा इयररिंग पे आ जाएंगे, क्योंकि नेकलेस तो मेरे पे ले देके चार पांच है, आई गेस दो तीन पांच है, हाँ पांच है, तो पांच नेकलेसेस है वो दिखाने हैं, बाकी पांच नहीं दिखाऊंगी इस वीडियो में, मैं आपको तीन ही दिखाऊंगी, एंड बाकी आप दूसरे वीडियो में देख लेना, क्योंकि पार्ट टू बनाना पड़ेगा, बहुत ज्यादा इयररिंग है, मैं भी थक जाऊंगी। तो ये वाला जो है ये मैंने ऐसे पैक कर दिया, आया नहीं था ऐसे, तो ये बहुत ज्यादा सही है, मतलब ये ना थोड़ा आप लोगों को देख के लग रहा होगा पायल टाइप है, लेकिन ये पायल नहीं है गाइस, ये है हमारा नेकलेस, हैवी वाली पायल लग रही है ना। हाँ तो ये है नेकलेस, चल मैं ऐसे करके दिखाती हूँ आप लोगों को, लुक एट दिस, वाओ, मेरे को बहुत पसंद है इस टाइप के ना चोकर टाइप नेकलेस जो होते हैं, बहुत सही लगते हैं, लग रहे हैं ना एकदम मस्त। तो ये नेकलेस है, ठीक है, चोकर स्टाइल में है, काफी अच्छा है, एंड इसके साथ आई है दो इयररिंग, मतलब तो दो ही आएंगी इयररिंग तो, एंड ये वाली मतलब उसी टाइप की नेकलेस विद इयररिंग, दिस इज अ नेकलेस, क्वालिटी आप लोग को देख के पता ही लग रही होगी कितनी मस्त क्वालिटी है, एंड काफी ज्यादा हैवी है, ऐसा नहीं लग रहा है कुछ भी हल्का सा है, बिल्कुल हल्का नहीं है, हैवी है लेकिन इतना भी हैवी नहीं है, आप पहन नहीं पाओगे, एंड काफी मस्त है, घुंघरू है इसके अंदर बहुत सारे, इसकी डिजाइन भी बहुत ज्यादा सही है, यूनिक, मेरे को पायल वाली फीलिंग आ रही थी, लेकिन पायल इतनी हैवी कौन पहनता है यार, लेकिन पायल अगर ऐसी पायल आती है ना सब लोग नेकलेस बना के ही पहन लेंगे, कितने मस्त लग रही है, टिक टिक टिक, आई लव दिस, मेरे को पर्सनली बहुत पसंद है ये। लुक एट दिस हाउ ब्यूटिफुल इट इज,
एंड ये ना बिल्कुल हैवी नहीं है, काफी अच्छा है। एंड अगर आप लॉन्ग कुछ पहनना पसंद करते हो, लाइक अगर इन इयररिंग को निकाल दो, सिर्फ इसको पहनोगे तब भी बहुत मस्त लगेगा, मेरे को पता है पक्का। जस्ट बिकॉज मैंने एक ब्लैक कलर की शायद वो पहनी थी, ब्लैक कलर की टी शर्ट पहनी थी एंड उसके नीचे लॉन्ग स्कर्ट पहना था, और सिर्फ ये वाला पहना था, इसके ऊपर इयररिंग नहीं पहने मैंने, इस वाले के भी इयररिंग नहीं पहने। बहुत मस्त लग रहा था, सबने बोला था अच्छा लग रहा है, तो आप लोग भी ट्राई करना कभी, ऐसे ना मस्त लगता है, तो एक बार ट्राई करना। और बहुत ज्यादा सही है, इसकी डिजाइन भी मेरे को काफी सही लगी है। इसके नीचे ना घुंघरू के साथ ये भी लगे हुए हैं, व्हाइट व्हाइट, पता नहीं क्या बोलते हैं ना, सेल्स बोलते हैं, सेल बोलते हैं, तो आप लोग कमेंट करके बताना क्या बोलते हैं। ये भी लगे हुए हैं एंड ये छन छन भी करते हैं साथ में, मस्त है। आई लाइक दिस। एंड इसके साथ आए थे ये दो इयररिंग, लुक एट दिस, दीज टू इयररिंग। अगर आप लोगों को अलग अलग पहनना है, लाइक ये नॉर्मली कुर्तियों के साथ भी पहन सकते हो इयररिंग्स को, क्योंकि ऑक्सीडाइज इयररिंग है, बहुत मस्त है। लुक एट दिस यार, ये ना मैं आपको एक बात बताऊं, ये मैंने ना देख के मेरे को ऐसे अलग सा और अच्छा सा लगा, इसलिए ले लिया। एंड मैंने इसे कभी स्टाइल नहीं करा, लेकिन मेरे को लगता है किसी भी प्लेन आउटफिट के साथ अगर आप डायरेक्टली ऐसे गले में इसका, हाँ, अगर किसी भी प्लेन आउटफिट के साथ आप डायरेक्टली ऐसे गले में पहन रहे हो तो बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा। इसके साथ ना आपको कुछ और पेयर करने की जरूरत नहीं है, लाइक इयररिंग वियरिंग कुछ ज्यादा पेयर करने की जरूरत नहीं है। एंड ये काफी ज्यादा क्लासी लगेगा, मुझे लग रहा है कि इयररिंग हटा दे तो इसके साथ भी अच्छा लगेगा। अभी मैं इसे ना स्टाइल करके आप लोगों को दिखाऊंगी, आप लोग बताना कैसा लग रहा है। एंड प्राइस वगैरह मैं सब कुछ यहाँ पे साइड में डाल दूंगी, क्योंकि प्राइस मेरे को किसी का याद नहीं है, क्योंकि आज अभी नहीं लिए हैं ये वाले, मैंने पहले से ही आधे पहले मंगा रखे थे, आधे अभी मंगा रखे, ऐसा वाला है, तो मेरे को किसी का प्राइस याद नहीं है। आप लोग बताओ किसका, कौन सा वाला आपको अच्छा लग रहा है एंड ये वाला कैसा लग रहा है। ये काफी ज्यादा डिफरेंट है, आई गेस बहुत ज्यादा डिफरेंट है यार, लुक एट दिस, सो आई लव दिस। व्हाट यू थिंक, कॉमेंट बिलो, यू ऑल्सो लव दिस, कमेंट करके बताओ कि आप लोगों को कैसा लग रहा है। नेक्स्ट इयररिंग पे, नेक्स्ट है ये वाली इयररिंग, लुक एट दिस। आई थिंक इन्हें चांद वालिया कहते हैं, अगर नहीं बोलते हैं तो पता नहीं क्या बोलते हैं ना। और ये काफी सुंदर है, ये ग्रीन कलर में है और ये गोल गोल डिजाइन है, नीचे ना चांद टाइप नहीं होता है, उसी टाइप है, पूरा ग्रीन इयररिंग है। और ये यहाँ पे ऐसे पर्ल्स लगे हुए हैं, काफी ज्यादा सुंदर है, बहुत ज्यादा सुंदर इयररिंग है। एंड ये मतलब पहन के भी सुंदर लगेंगे, मुझे ऐसा लगता है। तो इसका प्राइस वगैरह आप लोगों को साइड में दिख ही रहा है। गाइज आई लव दिस इयररिंग जस्ट बिकॉज ये प्रॉपर वेडिंग वेडिंग में, अगर आपका कुछ ग्रीन आउटफिट है या कुछ ब्लैक आउटफिट है, आप थोड़ा डिफरेंट पहनना चाहते हैं, कॉन्ट्रास्ट में आप कुछ पहनना चाहते हैं, उसके लिए मस्त रहेगा। एंड मेरे को अच्छा लग रहा है ये वाला इयररिंग, आप लोग बताइए कैसा लग रहा है कॉमेंट करके, तो मैं ऐसे आप लोगों को स्टाइल करके भी दिखा देती हूँ। है मुझे
मुझे लगता है ये वेडिंग के अकॉर्डिंग, अगर आपका व्हाइट आउटफिट है तो आपके ऊपर अच्छा लगेगा, लेकिन वेडिंग वगैरह में मुझे नहीं लगता ये अच्छे लगेंगे। बाकी ये ना बहुत ज्यादा वायरल इयररिंग थे, ये मैंने इंस्टाग्राम पे देखे थे काफी ज्यादा, तो मैंने मीशो पे चेकआउट करे, मुझे मिल गए वहां से। एंड गाइज ये ना बहुत ज्यादा प्यारे इयररिंग है, लुक एट दिस इयररिंग, व्हाइट कलर के एंड काफी हैवी इयररिंग है, लाइक जो नॉर्मल से अब मैंने अभी तक दिखाए थे वो जो एलिफेंट वाले थे उन्हीं के बराबर हैवी इयररिंग है, लेकिन है बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल, मैं सच बता रही हूँ। अगर आप लोग जैसे कोई इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर या यूट्यूब इन्फ्लुएंसर या कोई यूट्यूबर वगैरह है, उन लोगों के पास पक्का ये वाले इयररिंग पक्का मिल जाएंगे, क्योंकि ये जो इयररिंग है ये बेसिकली इंस्टाग्राम पे जितने भी इन्फ्लुएंसर्स वगैरह थे उन लोगों ने वायरल करे थे। उन लोगों को देख देख के मेरे को लग गया मेरे को भी इस टाइप के इयररिंग चाहिए, तो मैंने ले लिया। एंड ये है भी बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल, लिटरली बहुत ब्यूटीफुल है, पूरा व्हाइट है उसके ऊपर, आप लोग देख रहे हो ऐसे ऊपर की साइड में, यहाँ पे ब्लैक ब्लैक हो रहा है, यहाँ पे ऐसे चार मतलब तीन फूल बने हुए हैं, उसके अंदर अंदर जो बीड्स लगी हुई है, काफी वर्क इसका काफी अच्छा है। देख रही है यहाँ पे जो ये जो भी लॉक टाइप का होता है वैसा लगा हुआ है, यहाँ पे बीड्स लगी हुई है, ये थोड़ा पत्थर नहीं होता उस टाइप का है, एंड नीचे ये व्हाइट कलर के पर्ल्स है। आई लव दीज इयरिंग जस्ट बिकॉज ये सुंदर तो है भाई, कुछ भी बोलो सुंदर तो बहुत ज्यादा है। तो आप लोग बताइए आप लोगों को कैसे लग रहे हैं। एंड ये वाले आप लोगों ने ना वैसे देखे होंगे कि एम्ब्रॉयडरी वाले कहते हैं शायद, इसमें पूरा हैंड वर्क है, पूरा हैंड वर्क है, ये मोती मोती लगे हुए हैं नीचे, आप लोग देख रहे हो ऑलरेडी, लाइक ये वाले ठीक है, नीचे भी मोती है, यहाँ पे ना जो वो नहीं होते क्या कोई चेन बोलते हैं इसे, ठीक है, व्हाइट व्हाइट वाली वो है, एंड इसके ऊपर पूरा पर्ल्स है। तो ये वाले जो इयररिंग है ना काफी ब्यूटीफुल इयररिंग है एंड काफी लाइट वेट है, लिटरली बता रही हूँ, इस टाइप के इयररिंग पहनने में ना बहुत अच्छे रहते हैं, मतलब ऐसे कान में बहुत ज्यादा हैवी हैवी नहीं लगता, ये बहुत ज्यादा सही इयररिंग लगते हैं मुझे इस वजह से। एंड प्राइस वगैरह आप लोगों को साइड में दिख रहा है, स्टाइल करके जल्दी से मैं आपको दिखाती हूँ, ऑलरेडी बहुत ज्यादा मैंने इयररिंग वगैरह दिखाती है, तो अभी एक दो और दिखाऊंगी उसके बाद पार्ट टू में ही दिखाएंगे। तो ये वाले आप लोगों ने है ना काफी देखे होंगे, यूट्यूब पे ही मैंने देखा था, ये जो इयररिंग है वो यहाँ पे आप लोग देख रहे हो डिटेल में लिख रहा है राधा कृष्ण, तो ये राधा कृष्ण लिख रहा है। अगर आप वृंदावन वगैरह जा रहे हो घूमने तो आप इस टाइप का इयररिंग पहन के, और वहां पे ना जब भी लोग जाते हैं मतलब मैंने देखा है तो लोग कुर्ती पहन के जाते हैं या फिर घाघरा चोली टाइप नहीं होता है उस टाइप का पहन के जाते हैं, उस टाइप के इयररिंग पे इस टाइप का इयररिंग पहनने में वो बहुत सुंदर भी लगते हैं। इसमें ये टेम्पल फॉर्म में आप देख रहे हो, ये जो टेम्पल होता है उसी तरह बना हुआ है, नीचे ना व्हाइट पर्ल्स लगे हुए हैं, और इसकी डिटेलिंग अगर एक्चुअल डिटेलिंग देखोगे ना यहाँ पे लिखा हुआ भी है राधा कृष्ण, पूरे इस पर लिखा हुआ है राधा कृष्ण, पूरे ही ऊपर की जो होती है ना टेम्पल की पूरे उस पर लिखा है राधा कृष्ण, एंड साथ में ये दे रखी है लाइक आप पहनोगे ऐसे लगा लोगे, काफी सुंदर लगता है ये लगा के, और काफी यूनिक डिजाइन है, आई थिंक ऐसी वाली डिजाइन काफी मैंने कम देखी है लोगों के पास, एंड काफी यूनिक एंड बहुत ज्यादा हैंडवर्क है, और आई लव दिस, आई लिटरली लव दिस, स्पेशली मेरे को ये वाला जो स्पेशली ये वाला ना आप बहुत सही लग रहा है मेरे को ये, आप लोग बताइए कैसा लग रहा है। प्राइस यहाँ पे लिखा हुआ है ऑलरेडी, क्वालिटी बहुत ज्यादा मस्त है, ये वाले जो इयररिंग है काफी ज्यादा अच्छे हैं, जल्दी से मैं आप लोगों को स्टाइल करके दिखाती हूँ, एंड आप लोग बताइए कि मेरे ऊपर कैसे लग रहा है। नेक्स्ट है ये ब्लैक वाली इयररिंग, ये काफी ज्यादा हैवी इयररिंग है, मतलब बहुत ज्यादा हैवी इयररिंग है, एंड
काफी ब्यूटीफुल भी हैवी है लेकिन बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल भी है। आप लोग देख रहे हो डिटेलिंग हैंड वर्क इसके अंदर बहुत ज्यादा सही वाला करा गया है। एंड आप यहाँ पे ये गोल गोल देख रहे हो ना, ये वाला इसमें ना लाइक बीड्स, ब्लैक बीड्स लगाई गई हैं। एंड यहाँ पे पूरी ब्लैक बीड्स हैं, नीचे मोटे मोटे पर्ल्स हैं एंड व्हाइट कलर के पर्ल्स हैं। एंड ये जो व्हाइट कलर की आप देख रहे हो यहाँ पे पूरा हैंड वर्क करा हुआ है, तो इस वजह से ये थोड़ा कॉस्टली भी है लेकिन है भी बहुत सुंदर। तो इस तरह के मैंने दो इयररिंग ले रखे, लाइक ये ब्लैक में एंड एक ये ग्रीन में, तो सेम ही है बस ब्लैक की जगह ग्रीन हो गया है। लुक एट दिस। एंड इसकी जो प्लेटिंग है ना, ये जो पीछे की साइड देख रहे हो ये सिल्वर प्लेटिंग है और इसमें है गोल्ड प्लेटिंग, गोल्ड कलर की प्लेटिंग है। और ये ना पूरा वेडिंग पर्पस के लिए बहुत ज्यादा सही है, ये भी सही है अगर आपका ब्लैक आउटफिट है ना, ब्लैक लहंगे के साथ। ₹99 में मैंने बोला था कि मैंने ₹99 में कुछ लिया है, तो मैंने लिए थे ये दो स्टड के पेयर जो 99 99 पर स्टड है, मतलब पर पेयर है। तो पहला वाला दिखाती हूँ मैं, लाइक दिस इज सो ब्यूटीफुल, लुक एट दिस, लुक एट दिस, है ना प्यारे से एकदम सनफ्लावर टाइप्स लग रहे हैं। एंड काफी अच्छे हैं, क्वालिटी भी अच्छी है, ₹99 के हैं। आई नो अगर नॉर्मली आप यहाँ से लोगे, लेकिन यार वही वही होता है कि आप ऑनलाइन मंगाते हो ना तो डिलीवरी चार्ज वगैरह वो लोग ऐड ही कर लेते हैं, इस वजह से थोड़ा एक्स्ट्रा पड़ जाता है। बाकी ₹99 में आपके घर पे मिल रहा है, और क्या चाहिए। देख चुके हैं अभी तक के इयररिंग, आप लोग बताइए कौन सा आपका फेवरेट इयररिंग था। एंड अभी भी मेरे पास ना काफी इयररिंग बचे हुए हैं, लाइक ये तो मैंने आप लोगों को दिखाया नहीं है, लाइक ये वाले झुमका एंड एक और झुमका है ये वाला मिरर वाला लुक, एंड अभी भी ये वाली इयररिंग काफी ट्रेंडी इयररिंग है। काफी ज्यादा इयररिंग अभी बचे हुए हैं, अगर आप लोग चाहते हो जल्दी मैं नेक्स्ट जो पार्ट है हॉल का ज्वेलरी हॉल नेक्स्ट पार्ट जल्दी लाऊं, तो आप मेरे को कमेंट कर दीजिएगा जल्दी के लिए, मैं आपके लिए वो भी लेके आ जाऊंगी। एंड आज की वीडियो के लिए आप लोग बताइए कौन सा आपका फेवरेट था, प्लीज कमेंट करके। एंड अगर आप लोग लेना चाहते हो लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से ले सकते हो। होप यू गाइज लाइक दिस वीडियो, अगर थोड़ा बहुत भी यूजफुल होता है आपको, मतलब रिकमेंडेशन ठीक लगते हैं, अच्छा लगता है आपको कलेक्शन, तो आप लोग कॉमेंट कर सकते हैं एंड नेक्स्ट वीडियो के लिए। बाकी सो गाइज अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए एंड कॉमेंट कर दीजिए। एंड प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर आप लोग मुझे पहले से नहीं जानते हो, फर्स्ट टाइम आप लोग आए हो इस चैनल पर, तो ऑलरेडी आप जो पुराने वाले लोग हैं वो तो जानते होंगे मेरा एक पुराना चैनल था जो हैक होके डिलीट हो गया है, जिसपे 5,000 से ज्यादा लोग सब्सक्राइब कर रखा था, काफी ग्रो हो चुका था फिर डिलीट हुआ है, तो इसे ग्रो होने में थोड़ा टाइम लग रहा है। प्लीज हेल्प मी, एंड मुझे आप लोगों की बहुत ज्यादा सपोर्ट की नीड है, प्लीज हेल्प मी। एंड तब तक के लिए थैंक यू, अगर आपने अभी तक वीडियो देखी है थैंक यू, टेक केयर, बाय एंड अपना ध्यान रखिएगा, टाटा।